तो फिर एक बार आपका स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया है, तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कैसे आप बनाएंगे मोटरसाइकिल के लिए आपके ग्राफिक्स। तो इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत है। बेसिक फ़ोटोशॉप स्किल्स, आपके पास फ़ोटोशॉप होना चाहिए ताकि आप चीज़ों का, आपके जो व्हीकल पे सारे डायमेंशन है जहाँ जहाँ पे आपके स्टिकर्स आएंगे उसको आप मेजर करेंगे और उस हिसाब से फ़ोटोशॉप में उसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है वो इंचेस यूज़ किया है और आपको अराउंड DPI यानी कि डॉट्स पर इंच 150 के ऊपर रखना पड़ेगा, 150 से 300। 300 DPI पे फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी हो रही थी और बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा था क्वालिटी में। इसके लिए 150 DPI मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो मैंने अपनी बाइक के लिए ग्राफिक्स एक बार कर चुका हूँ, तो अब हमारे जो फ्रेंड हैं उनकी Yezdi Adventure के लिए हम कर रहे हैं और वो जो थीम है वो है डेजर्ट स्टॉर्म। तो एक डेजर्ट के इसमें जैसे मैं ब्राउन, येलो, ये थोड़े से शेड्स हम यूज़ करेंगे। तो एडवेंचर में आपको काफ़ी पार्ट्स है जहाँ पे आप ये स्टिकर्स बिठा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे लिमिटेशन जो आ रहा है वो है कि मैं अभी विनाइल पेंटिंग कर रहा हूँ, ये कोई रैप मटेरियल नहीं है, तो जो सरफेसेस काफ़ी टेढ़े या सिलेंड्रिकल होते हैं, जो 3 डायमेंशनल में फोल्ड होते हैं, जैसे कि स्पीयर आप समझ लीजिए, सिलेंडर पे तो लग जाएगा लेकिन स्पीयर जैसे शेप्स पे ये ठीक से रैप, ये विनाइल बैठता नहीं है, तो हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेस में से बनाना पड़ता है। तो ये अभी एक लिमिटेशन है। अगर आपके पहचान में कोई है जो एक काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेट पे मैं डिज़ाइन दूँ और मुझे प्रिंट करके रैप में दे सकता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो पहले आपको सारे के सारे मेजरमेंट्स, एक छोटी सी नोटबुक कैरी कीजिए अपने बाइक के पास, सारे के सारे मेजरमेंट्स लीजिए, कितने नंबर ऑफ स्टिकर्स आपको बनाने हैं। जैसे कि फ्रंट फेंडर पे जो स्टिकर है वो 2x3 इंच का बनाता हूँ, तो वो दोनों तरफ आता है तो उसका डायमेंशन ×2, और थोड़ा सा स्टिकर को बड़ा बनाइए क्योंकि बहुत सारा एरिया वेस्ट या कट में निकल जाता है, तो बेटर है कि आप स्टिकर बड़ा बनाएं, बाद में वो छोटा हो तो ठीक नहीं दिखेगा। फिर एक डिज़ाइन थीम बहुत ज़रूरी है, एक कलर स्कीम की समझ, तो मुझे लगता है ये एक बेसिक आर्टिस्टिक स्किल्स आप में है तो आप ज़रूर बना सकते हैं। तो जो पूरा शायद प्रोसेस है मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ क्योंकि ये थोड़ा क्रिएटिव काम है और उसके बीच में व्लॉगिंग करना मुझे आदत नहीं, तो जितना हो सके मैं आपको बताते रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहले ग्राफिक्स किया था उसके सारे इमेज फाइल्स हैं और कुछ ऐसा एक ड्राफ्ट था और ऐसा एक कुछ विजन था कि उसमें थोड़ा सा येलो हो, थोड़ा ऊपर के एरिया में वाइट और सिल्वर हो, तो काफ़ी क्लोज कर पाया उस विजन और इस डिज़ाइन को। फिर अब हम हमारे डेजर्ट एडिशन Yezdi Adventure के सारे फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं और सारे स्टिकर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे पार्ट्स बनाने के बाद इन्हें एक कॉमन डिज़ाइन शीट में लाना है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने 2x3 फीट के शीट में सारे के सारे पीसेस को एकोमोडेट किया और साथ में उसे वाइट बॉर्डर दी जहाँ पे हम उसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ फाइनल प्रिंट रेडी शीट है और अब हम इसे प्रिंट के लिए भेजेंगे। तो ऐसी बन गई है हमारी डिज़ाइन शीट, ये हमने सारा का सारा फोटोशॉप से बना के अब हम प्रिंट कर चुके हैं। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हमें कट करना पड़ेगा एक कटर और एक स्केल के साथ, तो थोड़ा सा एजेस पे इनको राउंड कट करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमारा
डेजर्ट एडिशन यजदी एडवेंचर का स्टिकरिंग बन रहा है, तो हम इसे कट करेंगे पहले सारे के सारे पीसेस को इंडिविजुअली और फिर इन्हें चिपकाएंगे। साथ ही में हमारे जो फ्रेंड है वीर पाजी, उन्होंने की थी रिसेंटली कोल्हापुर से उत्तराखंड एक सोलो राइड, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे स्टिकर बनाया है कोल्हापुर से बद्रीनाथ, ये यानी कि इनका एक रूट मैप है और ये नॉर्थ कुछ इस तरह है। और हमारे पास बाइक के टैंक पे बस इतनी जगह थी, तो इस तरीके से उनके लिए भी हमने ये दो स्टिकर्स बनाए हैं और ये उनके फोर्क के लिए। तो ये सब बनाते हुए बहुत ज़रूरी है कि आपके मेजरमेंट्स व्हीकल के ऊपर आपने जो स्केल से लिए होते हैं वो सारे परफेक्ट हो। तो यहाँ पे ये कटिंग फिर से हो चुका है। यह है यजदी के लिए साइड स्टिकर जो कि हमारे फ्रेम पे लगेंगे, ये फोर्क के लिए फ्रंट फेंडर, रियर फेंडर, फिर से फ्रंट और रियर फेंडर, टैंक के साइड्स के लिए थोड़ा सिमेट्रिक लगे इसके लिए इन्हें ऐसे अलग से बनाना पड़ा। तो ऐसे ही हम कटिंग करते रहेंगे, ये कुछ टाइम लेने वाली चीज़ है तो करते रहेंगे अभी हम ये। अब 2 घंटे बाद हमारे सारे स्टिकर्स रेडी हैं। तो ये है हमारा टैंक स्टिकर, फोक स्टिकर, साइड पैनल स्टिकर, जो बैटरी पैनल है उसका स्टिकर। तो हमारे स्टिकर्स भी अब रेडी हैं, थोड़ी देर में घर जाके हम बाइक पे ये सब लगा देंगे। Oh, 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 oh